आइकॉनिक गोंडोला राइड्स ऑफ वेनिस। मेक श्योर ऐसे आप कंट्री का झंडा लगा लो अपने सर पे, एकदम आपको पुराने इटली में लेके जाएगी ये। तो स्वागत है यार आपका सिटी ऑफ कैनाल्स। ट्रेन जाती है टनल्स के अंदर से, कान बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से वेनिस का बढ़िया व्यू आ रहा है। वैसे यार जाम तो यहाँ भी लग सकता है ना गोंडोलास का। इन्होंने रोम का बना रखा है, रोम नेम का बना रखा है। बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन है, मतलब अभी तक के जितने डिज़ाइन देखे हैं ना। हे गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज है 18th August 2023, हम हैं रोम में और यहाँ से हमारी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है टू वेनिस। यार ट्रेन के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो गए, थोड़ी थोड़ी तो नींद भी आ रही है, बट चलते हैं आपको वेनिस के सफर पे लेके चलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, मज़ा आ जाएगा आज के व्लॉग में। और ये एक हम पिज्ज़ा ले आए थे और एक कैपेचिनो जस्ट फॉर द राइड। तो यार 4 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, फरारा नाम का कोई स्टॉप आया है। ये रही हमारी हाई स्पीड ट्रेन इटालिया, 250 की स्पीड पे कांस्टेंट रन कर रही है। अब अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का डिस्टेंस बचा है। ये ना इतनी टनल्स है यार ये स्विट्जरलैंड इटली में, हाई स्पीड ट्रेन जाती है टनल्स के अंदर से, कान बंद हो जाते हैं। पहुँच गए हैं हम वेनिस। ये इनका वॉशरूम है, ये शावर एरिया है, बेड हैं ट्विन बेड, टीवी भी एक दिया हुआ है, पर सारे इस पे इटालियन चैनल आ रहे हैं, इटालियन चैनल्स आ रहे हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है, आगे बस स्टैंड है, ये अपना व्यू। तो स्वागत है यार आपका सिटी ऑफ कैनाल्स वेनिस में। मेरे पीछे है वेनिजिया सेंट लूसिया स्टेशन, और जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे आपको पीछे ही दिख जाएगी कैनाल, एंड यहाँ से आप वाटर टैक्सीज लेके जा सकते हो। ब्रिजेस भी हैं ऑब्वियसली अगर आपको पैदल जाना है तो, बट देर आर नो रोड्स एज सच, बसेज नहीं हैं। बसेज हैं बट वो वाटर बसेज हैं, उनको ही बोला जाता है। टैक्सीज भी जो हैं उनको वाटर टैक्सीज ही बोला जाता है। ये आई थिंक बस स्टेशन है, हम तो वॉक करके एक्सप्लोर करेंगे। ये है चिएस्ता सेंता मरिया दी नजरेथ चर्च है, कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री मेंशनड है। तो ये है यार चर्च ऑफ स्केल्जी, और ये बरोक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही उम्दा नमूना है। इसके अंदर दीवारों पे इंट्रिकेट स्कल्पचर्स अपने आप में ही एक अजूबे हैं। इसमें आप अंदर जाओगे तो ये समय में वापस जाके उस समय को दोबारा जीने जैसा एक्सपीरियंस है। वो यहाँ काफ़ी सारे वो होते हैं बेसिकली घर, जिनके गेट सीधा खुलते ही पानी में, और लोगों की पर्सनल बोट्स होती हैं, एंड लोग यहाँ पे पैडलॉक्स भी बांधते हैं। सो ऐसी कुछ यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स मिलेंगी, पतली पतली नैरो कॉपस्टोन, पुराना एकदम एंटीक, और बड़ी अच्छी वाइब देगा एक वाइट। सो द आइकॉनिक गोंडोला राइड्स ऑफ वेनिस, लुक एट द साइज। मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यार हमने तो उसमें देखी, वीडियोस में देखी है। ये इटालियन से ज़्यादा पता नहीं स्पेनिश घर क्यों लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहा होगा, इट फील्स मोर स्पेनिश। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से स्क्वायर्स आपको मिलते रहेंगे वेनिस में। दिस प्लेस इज़ वेरी एंशंट ऑथेंटिक आई वुड से, विद वेरी लिटिल चेंजेस डन, एकदम आपको पुराने इटली में लेके जाएगी ये। वेनिस में बनने वाले ये मास्क इस शहर की रिच हिस्ट्री और कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये कलरफुल आर्टिस्टिक मास्क मोस्टली वेनेटियन कार्निवल में पहने जाते हैं, और आज भी बहुत ज़्यादा फैशन शोज़ और फेस्टिवल्स में आपको दिख जाएंगे। इन मास्क के पीछे एक कहानी और एक पर्सनैलिटी छुपी होती है, और ये वेनिस की आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस वॉज सेंता मरिया क्लोरिसा दे फ्रारी बेसिलिका, और 5 यूरो की टिकट लगा रखी है। अंदर से कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो मतलब हर अट्रैक्शन की टिकट लगा रखी है। रोम में इतने अच्छे अच्छे चर्चेस से कोई टिकट नहीं थी। वो साइड से काफ़ी बड़ा है, और ये वॉच टावर भी है। जिन लोगों को बहुत वो रहता हो ना यार, लोग बार बार पूछते हैं आप कौन सी कंट्री से हो, कौन सी से हो, तो मेक श्योर ऐसे आप कंट्री का झंडा लगा लो अपने सर पे और पता चल जाएगा कि हाँ जी आप फ्रांस से हो। इस पे ना वो बन जाएगा अगर इनसे पूछा जाए, जैसे होता ना बसंती तुम्हारा नाम क्या है, हे फ्रेंच गर्ल आर यू फ्रॉम फ्रांस, इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, पता नहीं क्यों सर पे लगा के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी की शादी होने वाली है, उसके लिए किया हुआ है। हमारे इंडिया में तो ऐसी डेकोरेशन उसी के लिए होती है बेसिकली। यहाँ पे लियोनार्डो द विंची की इन्वेंशन हैं,
इंटरेक्टिव फॉर्म में डिस्प्ले किया हुआ है। एक फ़ोटो मोनालिसा की भी लगा रखी है इन्होंने बाहर के, चलो लियोनार्डो है। और मुझे लगता है इंडिया में ना मोस्टली लोगों को लियोनार्डो डी कैप्रियो पता है, ये लियोनार्डो डी विंची सिर्फ मोनालिसा की वजह से पता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, रोम में जो इतना फेमस स्क्वायर है विच इज़ पियाज़ा द वेनेजिया, यहाँ पे पियाज़ा रोम, इन्होंने रोम का बना रखा है, रोम नेम का बना रखा है, और दोनों खुश हो रहे हैं इसमें। बट यार रोम वाला बहुत अच्छा था। तो चलते चलते आप सुविनियर्स परचेस कर सकते हो, इटली की स्पेशल जिलाटो ट्राई कर सकते हो, और इन भीड़ भरी संकरी सड़कों से गुजरते हुए आपको छोटी छोटी आर्टिफैक्ट शॉप्स और कैफेज़ मिलेंगे। यहाँ से बिना लज़ानिया खाए गए तो आपको ज़रूर पाप लगेगा। यार पता नहीं पीक सीज़न में भी कि टाइम ऑफ द डे गलत है, डे गलत है या जगह गलत है, आई डोंट नो। बढ़िया देखो आप, बहुत ही कनेक्टेड से हाउसेज हैं, एंड देन उन कनेक्टेड हाउसेज में लोग रह रहे हैं। ये यहाँ पे मेन ब्रिज है जो दूसरे आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ना उस तरफ है आइलैंड के, तो यहाँ से वेनिस का काफ़ी अच्छा क्लियर कट एंड बढ़िया व्यू आ रहा है। यहाँ से पीछे से आ रहा है वेनिस का, बड़ा अच्छा ही शानदार व्यू। चैम्पियन सुरॉस की यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन सीलियो, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, एकदम वो प्रॉपर टूरिस्टी वाली स्ट्रीट हो गई। इस वजह से यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स हैं, लाइन से गोंडोलाज आ रहे हैं। वैसे यार जाम तो यहाँ भी लग सकता है ना गोंडोलाज का, अगर एक फंस जाए। एक्चुअली हम गलत जगह पे ही थे, उन स्ट्रीट्स में कोई नहीं है, ये जो मेन शॉपिंग स्ट्रीट्स और ये सब है ना, यहाँ पे लोग हैं, यहीं पे सारे टूरिस्ट हैं। जितने क्या हैपनिंग सा फील हो रहा है, लीवाइज भी है, कैंडीज चाहिए हो आपको वो भी मिलेंगी। ये आपका गुंडोला पॉइंट है, यहाँ से आप लोग आई थिंक यहाँ से राइड्स बिगिन होती हैं, एंड टिप के लिए भी बॉक्स रखा हुआ है। अबे 80 यूरो की तो तुम राइड दे रहे हो, उसका टिप भी चाहिए? हाँ यार यार, अब हम आ गए हैं यहाँ के द वेरी फेमस सेंट मार्क्स स्क्वायर। ये सामने एक चर्च दिख रहा है, एंड कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा स्क्वायर है ये। यार यहाँ पे तो ये देख के मैं मान गया इटालियंस को, ये इतना नैरो सा आइलैंड है, इतने पतली पतली गलियाँ हैं, इतने ब्रिजेस आइलैंड कनेक्टेड है। उसके बाद भी आप देखो, उसके द वेरी लास्ट आइलैंड जो है उसके अंदर इतना बड़ा स्क्वायर। सो यार ये है बेसिलिका पास से कुछ, बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन है, मतलब अभी तक के जितने डिज़ाइंस देखे हैं ना। और ये आई थिंक वॉच टावर है यहाँ का, एंड दिस इज़ द सेंट मार्क्स स्क्वायर, एंड इट इज़ जस्ट गॉर्जियस, इट्स वेरी 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 प्रिटी। और काफ़ी सारे कैफेज़ हैं, आपको कुछ खाना है खा सकते हो, टोपी वोपी खरीदनी है फालतू की चीज़ें हैं वो करना चाहो तो कर सकते हो। सेंट मार्क्स बेसिलिका पास से, वही प्रॉपर मार्बल का है, एंड बाइबल में से पेंटिंग्स हैं इसमें। बट ये समहाउ व्हाई डू आई फील इट्स मोर इस्लामिक, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे उसका ना, बिकॉज बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी वैसा ही लग रहा है। एंड देन ये वो वॉच टावर है, कल इस पे टॉप पे जाएंगे, व्यू देखेंगे यहाँ से, बड़ा अच्छा आता है, मैंने ऑनलाइन देखा। इसके ही जस्ट साइड में यू विल फाइंड डोजेस पैलेस आई गेस, इफ आई एम करेक्ट।
सो टॉर्जेस पैलेस आई थिंक नाम, और उसमें भी आई थिंक म्यूजियम ही है, तो म्यूजियम में तो अंदर जाने का मेरा खास कोई मन नहीं है, उसको बाहर से भी देख के आते हैं, अच्छा लग रहा है फ्रंट से ना। इटली का शहर वेनिस जो हिस्ट्री और ब्यूटी का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और ये सामने आपको दिख रहा है डॉजेस पैलेस जो वेनिटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, और ये घर हुआ करता था डॉज ऑफ वेनिस जो कि सुप्रीम लीडर थे वेनिस रिपब्लिक के उनका, और ये लोकेशन आपको अक्षय कुमार करीना कपूर की मूवी कमबख्त इश्क के लख लख सॉन्ग में भी देखने को मिलेगी, यहीं की शूटिंग है और वो पूरा सॉन्ग ही एक मिनी व्लॉग है वेनिस का। तो फाइनली अपनी वेनिस की मेमोरीज़ में एक पल और जोड़ने के लिए आप गोंडोला राइड्स ले सकते हो, जिसका ऑफिशियल टैरिफ है 30 मिनट्स के लिए 80 यूरोस, बट यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो और एक बेटर प्राइस ले सकते हो। यहाँ का तो पता ही क्या है ना, चलते जाओ आप कैनाल्स के साइड साइड, और ये मेन आई थिंक कनेक्टिंग कैनाल है टू दी सी, एंड यू जस्ट वॉक एंड यू विल फाइंड सो मेनी अट्रैक्टिव हाउसेज एंड एवरीथिंग, एंड अभी सनसेट में इट इज़ जस्ट लुकिंग वेरी प्रिटी। सर इवनिंग में तो बड़ा लाइवली हो जाता है ये, और कल हमारे पास पूरा दिन रहेगा, वी विल चेक आउट फ्रॉम दी होटल एंड देन एक्सप्लोर वेनिस पूरा, जो भी चर्चेज हैं अट्रैक्शन हैं सब कुछ करेंगे, और उसके बाद फिर वी विल हेड टू वियना ऑस्ट्रिया। चलते हैं लज़ानिया खाते हैं, लज़ानिया का बड़ा मन है। कुछ ऐसा लगता है मेन ब्रिज शाम को आफ्टर सनसेट। ओवरऑल अगर देखा जाए अच्छा दिन था, सो आज जितना भी एक्सप्लोर किया थोड़ा कम किया, कल जो इनके मॉन्यूमेंट्स हैं, चर्चेज़ हैं, जो ऊपर व्यू पॉइंट्स हैं, वी गोइंग टू विजिट ईच वन ऑफ देम। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।